लैटर टूट गया कानून दे विच हर गलती दी सजा हुंदी है भावे कोई भी देश होवे पर किसी गलती दे लई तुसी किसी दी जान लै लवो ये कोई तुहानू इजाजत नहीं दिंदा। हालांकि इन्ना जरूर है कि कई बार किसी गलती दे कारण कोई व्यक्ति तलखी दे विच आके अपने तौर ते किसी नू सजा दे दिंदा पर उत्थे भी कारण इहो आ कि तुसी किसी दी जान नहीं लै सकते। पर कुछ अजिहे माड़े अंसर हुंदे ने जो किसी की जान लै लेंदे ने जां किसी की जान लैना बड़ा ही सुखाला समझते ने। अजिहा ही मामला अमृतसर तो सामने आया जिथे एक नौजवान के उत्ते कणक चोरी के इल्जाम लगे। सिर्फ इल्जामों के तहत ही नौजवान की अजिही बेरहमी दे नाल कुटमार की गई अणमनुखी तशद्दुद ढाया गया जिस कारण नौजवान की कुटमार के दौरान ही मौत हो गई। परिवार 18 दिनों तो इंसाफ मंग रहा है तो प्रशासन भी खाली हाथ दिखाउंदा नजर आ रहा है। देखो ये पूरी खबर। मामला अमृतसर के सरहदी थाना करिंडा के पिंड डोडी पिंड का है जिथे पीड़ित बजुर्ग भीरो ने दसिया कि उसके पिंड वासी बचित्र सिंह हिम्मत सिंह सुखविंदर सिंह उर्फ सत्ता ने 11 सितंबर 2023 की सवेर में उसके पुत गौरी सिंह की कुटमार करके मौत कर दी। कारण की है कि एक चोरी का इल्जाम कणक चोरी का इल्जाम नौजवान से लगता है जो कि दसण और छापेमारी दौरान कुछ बरामद भी नहीं होंदा। उक्त व्यक्तियों वालों गौरी सिंह के घर के बाहर ठीकरी पैरा लगाया जाता है जिस तों बाद गौरी सिंह नूं बरामद तक कर लिया जाता है पर बरामद करके अणमनुखी तरीके दे नाल उसकी कुटमार की गई। आओ एक बार देखते हैं आप तस्वीर कि किस तरह घर के बाहर पैरा लगाया गया तो किस तरह उस नौजवान की कुटमार अणमनुखी तरीके दे नाल की गई है। परिवारक मैंबर का कहना है कि मुलजमान वालों इन्नी बेरहमी के नाल कुटमार की गई कि नौजवान की कुटमार के कारण ही मौत हो गई जिसका कि इंसाफ भी सानू नहीं मिल रहा। होर की कुछ कहना सी आओ सुनते हैं। तो इन्हें साढ़े पिंड वाले ने कहा भी इन्हें चोरी की है तो चोरी का कोई बरामद नहीं वो किया गया यह आ भी चोरी का बरामद किया नहीं गया। उन्हें रात उन्होंने घर की तलाशी ली हुई है सबका सरपंच साढ़े पिंड का उन्हें तलाशी लैके मुड़ के रात उन्हें उन्होंने बूहे गाड़ी धरना लगया है। धरना लगा के दिने उन्होंने जो रात नहीं ना मुंडा काबू आया उन्हें अटारी 2-3 किलोमीटर तो मुंडे किडनैपिंग की किडनैप करके तो 10-11 बजे मुंडा मारता उन्होंने तो सानू घर पिंड पता लगा वा 12-1 बजे ठीक है नी तो सानू इंसाफ कोई नहीं मिलया भी तो जोड़ा बंदा कराउन वाला वा वह बाहर निकल गया वा यह गल गलत है। अज असी डीसी दफ्तर पहुंचे हाँ जी वीडियो है सब कुछ हैगा साढ़े को जो रात ना धरना लगाया वह भी वीडियो हैगी साढ़े को मारन वाले की वीडियो भी हैगी साढ़े को मतलब जाने कि मुंडे नू मार के सुटिया वह भी वीडियो हैगी किडनैपिंग करके साडा मुंडा मारिया गया तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करन दी ठीक है तो काफ़ी बंदे हैगे बिच बहुत ज्यादा बंदे इन्हें कुटिया मारा बेरहमी ना मारिया तो नौ पुटे आ तो सानू इंसाफ चाहिए। रात इन्हें पैरा ला के कोशिश की फट दी कहते भी हड्डी चोरी करता तो इन्हें सवेरे गवाह किया तो बड़ा बेहरामी ने मुंडे मार दिता गया। कितनी उम्र सी मुंडे की उम्र कोई 21-22 साल है। कितना चिर हो गया इस मामले में? 11 तरीक का मसला जी। वीडियो वगैरह की? हाँ जी वीडियो क्लिप हैगी है भाई साहब। कोई पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई जी आख ही जाते भी करना है जी हाँ तो कहने हिसाब ना ही है जी कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई जी हले तो बंदे फड़े नहीं कहना। दस दिए कि थाना करिंडा पुलिस ने मृतक के भरा जोगा सिंह के बयान के आधार पर बचित्र सिंह हिम्मत सिंह सतनाम सिंह राम सिंह सुखविंदर सिंह उर्फ सत्ता खिलाफ कतल का केस दर्ज कर लिया। परिवारक मैंबर का कहना है कि पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया पर हुण पिंड के कुछ सियासी लोग मामले की जाँच करके मुख मुलजम को भजाने की कोशिश कर रहे हैं जिसनों लैके परिवार इंसाफ के लिए डीसी दफ्तर पहुंचे है तो देखना हुण यह होगा कि परिवार को इंसाफ दवाने के लिए पुलिस कितनी जल्दी ठोस से सख्त कदम उठाती है। अमृतसर तो हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।